भूतिया हवेली। एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली थी। ये हवेली अपने बहुत साल पुरानी थी और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे। गांव के लोग इसे भयंकर स्थान मानते थे और रात में कोई भी उसके पास नहीं जाता था। गांव के एक युवक का नाम विक्रम था। वह बहुत ही नाड़ी था और हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता था। वह भूतिया हवेली के बारे में बहुत सुना करता था और एक दिन उसने तय किया कि वो हवेली में जाकर रहस्य को सुलझाएगा। एक रात विक्रम ने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वे हवेली के बगीचे में पहुंचे, एक विचित्र आवाज सुनाई दी, पर वे नहीं डरे और हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर एक भयानक माहौल था। वे उत्सुक और डरे हुए साथ ही अंदर बढ़ते गए। एक कमरे में एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें हवेली का रहस्य छिपा था। धीरे धीरे वे पुस्तक को खोले और पढ़ने लगे। पुस्तक में लिखा था कि हवेली मालिक ने एक समय अपने बेटे की हत्या की और उसकी आत्मा अब हवेली में घूमती है। भूतिया हवेली में गैरमामूली घटनाएं होती रहती हैं। विक्रम और उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन वे नहीं हारे। उन्होंने माना कि यह सिर्फ एक कथा नहीं है। एक अजीब आवाज से उन्हें ध्वनि सुनाई दी, क्या तुम मुझसे माफी मांगोगे? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, हम माफी मांगते हैं। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। एक रोशनी की किरण उनके आसपास चमकी और भूतिया हवेली की भयानकता गायब हो गई। उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद गांव के लोगों को बताया कि हवेली में कुछ भी नहीं है। भूतिया हवेली का रहस्य अंततः सुलझ गया और विक्रम ने अपने साहस और साथित्व के बल पर उसे सुलझाया। वह और उसके दोस्त गाँव के हीरो।